सो व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मदर व्लॉग। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ से अपने निकल पड़े हैं घर से, और आज मेरे पास है NS 160। यहाँ पे 200 लिखा है पर 160 आई गई है। और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था जब मैंने इसका रिव्यू बनाया था, तब के इसका जो है माइलेज टेस्ट निकालो भैया, इसका माइलेज टेस्ट निकालो। तो हाँ मेरे दोस्त, आज अपने इसका माइलेज टेस्ट निकालेंगे और देखेंगे कितना ज़्यादा फ्यूल का इकोनॉमी ये दे रहा है। मेरे ख्याल से ये देगा अराउंड 35-40 का, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे को जो है कमेंट किया था कि NS 160 जो है वो माइलेज नहीं देता, और साथ ही में इसमें बहुत सारे हीटिंग इशू है। इनफैक्ट जो ओनर है बाइक का, वो भी क्लेम कर रहा है कि बाइक जो है ज़्यादा माइलेज नहीं देता है। तो आज अपने उसका भी पता लगा लेंगे। तो अभी मैं निकल पड़ा हूँ घर से। इसका जो पूरा फ्यूल है वो मैंने एम्प्टी कर लिया है, इसमें फ्यूल नहीं है थोड़ा भी, और देखते हैं कितना देर तक ये चलेगा, उसके बाद तो बंद होगा। फिर अपने जो है 1 लीटर इसमें फ्यूल डालेंगे, वही जो अपना परंपरा है माइलेज टेस्ट करने का वही करेंगे हम लोग। 1 लीटर फ्यूल डालेंगे इसमें, ट्रिप को ज़ीरो करेंगे और देखेंगे। सो गाइस, ओडोमीटर की रीडिंग की बात करो तो यहाँ पे जो है बाइक का 24,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और आज बहुत दिनों बाद ये धूप निकली है, क्योंकि इतने दिन से जो है लगातार बारिश हो रही थी और व्लॉगिंग करने में मज़ा भी नहीं आता बारिश में। तो आज जो है धूप निकली है, तो अपने भी थोड़ा सा मोटिवेटेड है ये चीज़ को लेके के चल भाई, आज अच्छे से व्लॉग होगा। और अभी देखते, अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपने फ्रेंड के घर पे, वहाँ से अपने निकलेंगे कोई जगह पे एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा बहुत आपके लिए थोड़ा भी फील आएगा व्लॉग देखने में। सो गाइस, बाइक की ओडोमीटर रीडिंग की बात करो तो 24,000 किलोमीटर्स बाइक का कंप्लीट है, और उसके सारे सर्विस रिकॉर्ड भी क्लियर ही है। और मेरे फ्रेंड की ये बाइक है, उसका बहुत ज़्यादा कंप्लेंट था कि उसकी बाइक के वाली माइलेज नहीं दे रही, और आप में से भी बहुत लोग ने कमेंट किया था कि वीडियो में कि बाइक जो है माइलेज नहीं दे रही है। तो यहाँ पर बाइक का झटका आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे लगता है बाइक का फ्यूल जो एम्प्टी हो गया है। तो गाइस, ये फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है तो इसको ज़्यादा टॉर्चर नहीं करेंगे। तो अभी मैं जल्दी से इसका ट्रिप मीटर को ज़ीरो कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसका ट्रिप मीटर है 151 किलोमीटर है, इसको अपने जो है ज़ीरो कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रिप मीटर जो है वो ज़ीरो हो चुका है, और सेकेंड ट्रिप को भी अपने ज़ीरो कर लेते हैं। इसमें बहुत टाइम लगता है ट्रिप को ज़ीरो करने में। तो यहाँ पे ट्रिप को अपने ज़ीरो कर लिया, बाइक को एक बार और स्टार्ट करके बताता हूँ मैं। तो आप देख रहे हो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैं जो है 1 लीटर फ्यूल अंदर डालता हूँ। तो ये थंबनेल के लिए थोड़ा सा एक रुक जाता है, ऐसा एक फ़ोटो आ जाएगा, और साथ ही में अभी मैं इसमें 1 लीटर फ्यूल डाल देता हूँ। तो गाइस, हमने जो इसमें एग्जैक्ट 1 लीटर फ्यूल डाल दिया है, बॉटल को फिर से बैग में। तो ट्रिप भी ज़ीरो हो चुकी है, और आपको टाइम बता देता हूँ मैं। तो अभी बज रहा है 12:17, और अपने चलाते देखते कितना टाइम लगेगा इसको पूरा सा कंज्यूम करने में। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ वापी टाउन अपने फ्रेंड के पास, उसको वहाँ से पिकअप करते हैं और देखते। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग के मतलब जो मेरा फ्रेंड है उसका कंप्लेन, और साथ ही में आप लोग ने बहुत सारा कमेंट किया था कि भाई बाइक जो है माइलेज नहीं देती है, साथ ही में हीटिंग इशू है बाइक में, NS 160 में स्पेशली। तो उसका भी आज पता चल जाएगा क्या हीटिंग इशू आता है कि नहीं सच में, और साथ ही में माइलेज टेस्ट का भी पता चल जाएगा। तो दोस्त का कंप्लेन भी दूर हो जाएगा, और साथ ही में जो है आप लोग का भी जो माइंड में थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछा था कि मुझे NS 160 लेनी चाहिए या फिर Hornet 160 लेनी चाहिए। तो मैं आपको एकदम क्लियरली बताता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की बाइक चलाना प्रीफर करते हो। NS 160 में पावर
बहुत अच्छा है हॉर्नेट के मुकाबले, क्योंकि मैं खुद राइड किया हॉर्नेट और NS160, तो दोनों के जो पावर है दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि दोनों अलग अलग कंप्रेशन रेशियो पे काम करते हैं। और ओवरऑल बाइक बहुत सही है ये NS160। मेरे ख्याल से तो आपको हॉर्नेट के बदले 160 ही लेना चाहिए NS160, क्योंकि ये जो है NS200 की लेगेसी है, यानी उसके यंगर सिबलिंग से एग्जैक्टली सेम मिलती है, बस उसका टायर के विड्थ अलग है पीछे के, बाकी सब तो सेम ही है। और ओवरऑल थोड़ा सा पावर डिफरेंस है NS200 और N160 में। तो अभी देखते हैं, अपने यहाँ से जाते हैं अपने फ्रेंड के पास और उसको पिकअप करते हैं, फिर देखते हैं क्या एवरेज दे रही है ये बाइक। एक और एक चीज़ आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ मैं, कि ये बाइक में ज़ीरो मॉडिफिकेशन हुई है, खाली जो इसमें जो हेडलाइट वो चेंज किया है इसने, प्रोजेक्टर्स लगाए मेरे फ्रेंड ने, और इसमें ज़ीरो मॉडिफिकेशन हुई है, मतलब इंजन और एग्जॉस्ट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, यानी एक स्टॉक NS160 ऐसा बोल सकते हैं। और ये ड्यूअल डिस्क ब्रेक वाला मॉडल है, इसमें दो बातें थे, रेयर में जो है ड्रम और डिस्क ऑप्शन आता था, तो ये डिस्क वाला वर्जन है और नॉन ABS वर्जन है। ऑब्वियसली बात है BS4 है, तब इतना कुछ था नहीं कि कंपलसरी किया नहीं था गवर्नमेंट ने कि ABS मैंडेटरी है, और अभी जो है ये नॉन ABS मॉडल है। सो गाइस कमेंट करो, मुझे बताओ कि आप ये वीडियो जो है कौन से स्टेट से देख रहे हो, ताकि ये मुझे मालूम पड़े कि जो मेरे सब्सक्राइबर है वो मुझे कहाँ से देख रहे हो। साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही में जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मुझे फॉलो करो। साथ ही में बाइक ने इधर कंप्लीट कर लिया है 3.1 किलोमीटर्स। सो गाइस लास्ट संडे हम लोग जो है मोटी कोलवर गए थे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जो बोल सकते हो लोकेशन था, और मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट प्लेस जो मैंने विजिट किया राइडिंग करते, और साथ ही में जो जगह था रोड था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, पूरा जो है वहाँ पर धूमस था, बारिश थी और मज़ा आया, पर बहुत थोड़ी ज़्यादा ही बारिश हो गई थी, तो आते थे हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। और जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आ रहा होगा, जाओ एक बार चेकआउट कर लो। तो गाइस ये सीट कवर है जिसके बारे में बात कर रहे थे भाई ने, जो इंडोनेशिया से मंगाया है, और बहुत ज़्यादा सही फिटिंग है इसकी। और आप लोग जो अगर ये आपको सीट कवर देख लो एक बार, अगर चाहिए तो हम लोग इसको खुद अभी मैन्युफैक्चर करने वाले, तो कमेंट कर दो ना, तो आपको भी जो है ऐसा सीट कवर बना के मिल जाएगा। और साथ ही में भाई अलग अलग मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़े बहुत जो है कीड़ी वाले इंसान है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिखाता हूँ आपको पल्सर इनके, तो ये भी एक बार चेकआउट कर लो, ये पल्सर 150 है, देख रहे हो बहुत अतरंगी मॉड्स करते हैं, शायद M4 का एग्जॉस्ट है, बहुत ज़्यादा अतरंगी मॉड्स करते हैं भाई। चलो चलते आगे कंटिन्यू करते, थोड़ा हम लोग बातचीत कर लेते हैं उसके बाद। तो गाइस यहाँ पे मैंने मेरे फ्रेंड को पिकअप कर लिया, तो अभी अगर मैं ट्रिप की बात करूँ तो यहाँ पे 7 किलोमीटर्स बाइक का कंप्लीट हो चुका है, और फ्रेंड को इसलिए लिया क्योंकि अकेला बोर भी होता, और साथ ही में पिलियन रहेगा, तो आपको भी अंदाज़ा रहेगा कि अगर आप पिलियन बिठा के चला रहे हो बाइक पर तो कितना एवरेज देगी आपकी बाइक। तो यहाँ पर जो है 7 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं और साथ ही में पिलियन है अपने साथ, तो अभी से पता चलेगा कितना एवरेज दे रही है अपना बाइक। इस बाइक का कंप्लीट हो चुका है 9.5 किलोमीटर्स, तो मेरे फ्रेंड के गली में से थोड़ा सा शॉर्टकट निकलता था दमन के लिए, तो हम लोग यहाँ पर दमन आ चुके हैं और सोचे कि थोड़ा सा घूम ले, और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। और यहाँ पर फिलहाल जो है ये पुल जो है हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, और वो वाले पुल पे पहले गए थे पर वो वाला बंद हो चुका है अभी, क्योंकि आप देख सकते हो वाटर लेवल कितना हो गया, तो ये नया ब्रिज जो बना है, और यहाँ से जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आप लोग देख सकते हो। लास्ट व्लॉग मतलब इससे पहले का एक व्लॉग डाला था CBR 250 के ऊपर, वहाँ पर भी यही लोकेशन पर आया था मैं, तो बहुत सही लोकेशन है यार ये। बाइक का कंप्लीट हो चुका है 13.3 किलोमीटर्स, और जितना हो सके मैं उसको इकोनॉमिक मोड पर चला रहा हूँ, ताकि इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज निकाल पाऊँ मैं। और साथ ही में अभी हम लोग जा रहे हैं जेट्टी पोर्ट, देखते हैं यहाँ से कितना दूर है वो, मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर्स दूर है, क्योंकि बहुत दिन से मैं दमन नहीं आया तो सारे रास्ते जो है मैं भूल चुका हूँ। सो गाइस जैसे कि मैं आपको बताता था कि बाइक में जो है आप लोग में से बहुत लोग ने कमेंट किया था कि हीटिंग के इशू है, अभी तक मुझे कोई इशू नहीं लगा, 15 किलोमीटर चला लिया हूँ मैं और अभी तक कोई हीटिंग इशू नहीं, और ओवरऑल बाइक चलने में बहुत ज़्यादा स्मूथ है यार। नहीं पता क्यों बहुत लोगों को कंप्लेन है बाइक NS160 से के इसमें जो है हीटिंग इशू है और एवरेज का इशू है, देखते हैं क्या है, अपने को भी मालूम नहीं है, अपना थोड़ा चला लेते फिर देखते पता चल जाएगा अपने को भी। तो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं जेट्टी, और आप देख सकते हो ये गमन का एक बहुत ब्यूटीफुल हेरिटेज है, बहुत अच्छा फोर्ट है ये, और फोर्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप आ सकते हो फोटो शूट करा सकते हो। नहीं बंद है भाई, किले की बात कर रहे हैं ना? हाँ ये ओल्ड चर्च है। बाइक ने कम्प्लीट कर चुके हैं 19.8 किलोमीटर्स, और यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ दमन की, तो आप देख सकते हो ये जो गेट है ना उसके पार वहाँ पे लिखा है आई लव दमन, तो ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं अलग अलग प्लेस से ये जगह को विज़िट करने के लिए। तो एक्चुअली ये एक बोल सकते हो कि पोर्ट है दमन का,
वो भी आप लोग को एक बार मैं अच्छे से चेकआउट करा देता हूँ। मैं सो गाइस, ये दमन का पोर्ट है और आप देख सकते हो किस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे सारे फिशरमैन्स लोग यहाँ से जो है जाते हैं दरिया के अंदर और जाके जो है अपनी फ़िश पकड़ते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कितनी बड़ी बोट है जो यहाँ से जा रही है। सो गाइस, स्टार्टिंग में आप लोग ने जो टाइम लैप्स देखा वो ये जगह से रिकॉर्ड किया था। और ये पूरा देख सकते हो, ये पुलिस की बोट है और जो बोल सकते हो लोकल जो कोस्टल पुलिस रहती है कोस्ट गार्ड की उसकी बोट है ये। और ये पूरा बंदरगाह है दमन का, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन है। चलो यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अपने को रिटर्न घर भी जाना है। तो वहाँ पर मेरा फ्रेंड जो है देख सकते हो आप फ़ोटो वोटो खींच रहा है, निकलते हैं यहाँ से। गाइस, बाइक ने कंप्लीट कर चुका है 23.7 किलोमीटर्स। और अगर आप दमन आते तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि जो भी आप रास्ते वस्ते क्रॉस करो थोड़ा ध्यान से क्रॉस किया करो, क्योंकि यहाँ के लोग जो है थोड़े बहुत हवे में रहते हैं, समझ सकते हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। और साथ ही में यहाँ पे 23.8 किलोमीटर्स हो चुके हैं, तो थोड़ा सा ट्रिप को थोड़ा फास्ट बढ़ाते हैं कुछ इस तरीके से। इस बाइक ने कंप्लीट कर चुके 26 किलोमीटर्स। इस बाइक ने कंप्लीट कर चुके 27 किलोमीटर्स। इस बाइक ने कंप्लीट कर चुके 28 किलोमीटर्स। इस बाइक ने कंप्लीट कर चुके 29 किलोमीटर्स। बाइक ने कंप्लीट कर चुके 30 किलोमीटर्स। इस बाइक ने कंप्लीट कर चुके 31 किलोमीटर्स। 32 किलोमीटर्स कम्प्लीट। 33 किलोमीटर्स कम्प्लीट। सो गाइस, 34 किलोमीटर्स कम्प्लीट। 35 किलोमीटर्स कम्प्लीट। गाइस, 36 किलोमीटर्स कम्प्लीट। 37 किलोमीटर्स कम्प्लीट। सो गाइस, 38 किलोमीटर्स कम्प्लीट। सो गाइस, 38.7। और यहाँ पे बाइक जो है मिसिंग करना स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हो बाइक जो है अभी नो एक्सलेटर, नो रिस्पांस टू एक्सलेटर, कुछ भी नहीं हो रहा है। और मेरे ख्याल से फ्यूल जो है पूरा एम्प्टी हो चुका है। एक जगह पे रोकते तो यहाँ पे आपको दिखा दो अच्छे से, देख सकते हो यहाँ पे 38.8 किलोमीटर्स कम्प्लीट हो चुका है और बाइक का फ्यूल है जो पूरा जो है ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने 5 से 10 बार सेल्फ मार दिया पर बाइक जो है स्टार्ट नहीं हो रही है। तो एक बार चेकआउट कर रहे तो आपको अच्छे से कि फ्यूल है कि नहीं अंदर। तो आप देख सकते हो अंदर थोड़ा भी फ्यूल नहीं है, कैमरे में क्लियर नहीं है, पर यहाँ से मैं देख सकता हूँ इसमें थोड़ा भी फ्यूल नहीं बचा है। अब फिर भी एक दो बार स्टार्ट करने की ट्राई करते हैं। तो एक कार्बोरेटेड बाइक तो है नहीं कि अंदर थोड़ा सा फ्यूल रहेगा तो चालू हो जाएगी। तो फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है तो नो रिस्पॉन्स टू सेल्फ। तो यहाँ पर जो है बाइक का अच्छा खासा एवरेज निकल गया। तो दिखा देता आपको मैं एक बार फ़ोन में भी खींच के, तो आपको एक क्लियर व्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो इसमें दूसरा जो पेट्रोल कैरी करता हूँ वो डाल देता हूँ। और बाइक का अच्छा एवरेज आया 38.8 किलोमीटर्स, पर मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं आया, क्योंकि मेरी बाइक का R15 का 50 का एवरेज देती है। तो इसको मैं सोचा आराम से 55 का देना चाहिए था, क्योंकि आफ्टर ऑल बजाज है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा बाइक ने कम्प्लीट कर दिया 38.8 किलोमीटर्स। और इतना अच्छा खासा एवरेज नहीं है बाइक का, क्योंकि मैं सोचा था कि बाइक जो है आराम से 45 से लेके 50 का एवरेज दे देगी। क्योंकि मेरी R15 V2 का जिससे पहले मैंने माइलेज टेस्ट किया था और उसका एवरेज मुझे निकल के आया था अराउंड 50 किलोमीटर्स का। और इससे पहले RC 200 का मैंने माइलेज टेस्ट किया था, उसका किलोमीटर्स का माइलेज निकला था वो था अराउंड 38 किलोमीटर्स का। तो RC 200 और NS 160 का एवरेज का कंपेरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग क्लास की बाइक है, पर इसका एवरेज बहुत ज़्यादा कम था उसके मुकाबले। तो इससे दो चीज़ क्लियर हो जाती है। पहली बात तो ये कि इसका जो एवरेज है वो बोल सकते हो कि थोड़ा सा कम है। तो पहला चीज़ आपका क्लियर हो गया कमेंट में, जिसने मुझे पूछा था कि बाइक का माइलेज कम है। तो हाँ, बाइक का माइलेज थोड़ा सा कम है, पर इतना भी कम नहीं है कि नहीं चला सकते हो आप, बहुत ज़्यादा चुस्ती ऐसा कुछ नहीं हो। दूसरी चीज़ें ये क्लियर होती है कि आप लोग में बहुत लोग का जो है कन्फ्यूजन था कि ये बाइक का इंजन का हीटिंग इशू है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसने भी कमेंट किया प्लीज़ चेक करो आपका इंजन ऑयल को, इंजन ऑयल आप अगर सही ग्रेड का डला रहे हो कि नहीं। बाकी सब तो सब सही है बाइक के बारे में। इसी के साथ इसका ओनर का भी जो है कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। उसका ये मानना था कि बाइक जो है अराउंड 30 का एवरेज दे रही है, पर बाइक ने 38.8 का एवरेज दिया। तो उसके जो उसने जो सोचा था उससे ज़्यादा ही इस बाइक का एवरेज निकला। और साथ ही में अभी तक आपने वीडियो देख ही लिया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस, इस वीडियो को देरी एंड करते हैं, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, वेयर हेलमेट।